वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर रीगल चौक में, जिसकी अपनी एक तारीखी अहमियत है। कभी यहाँ की पहचान यहाँ का रीगल सिनेमा हुआ करता था, जो अब बंद हो चुका है, मगर चौक की रौनकें अब भी बहाल हैं। आइए आज आपको इस जगह की सैर करवाते हैं। कैसे मुमकिन है लाहौर का जिक्र हो मगर माल रोड का तज़किरा ना हो, और अगर माल रोड की बात चले तो रीगल चौक को भूल जाएं। रीगल चौक माल रोड का वो हिस्सा है जहां बीडन रोड, हाल रोड, टेंपल रोड यकजा होते हैं, और बगल में तारीखी लॉरेंस रोड वाके है। रीगल चौक जो कई जमानों तक जलसे जुलूसों वालों का पसंदीदा मकाम रहा, वहीं ये शहर का सबसे नुमाया खाने पीने का स्पॉट भी था, गोया एक तरह का फूड स्क्वायर। रीगल चौक के दही बल्लों और हलीम को भला कौन भूल सकता है। ये तकरीबन 60 साल पाकिस्तान बनने से पहले की ये दुकान है। नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आके खाते रहे, इमरान खान खाए हैं, याज सादिक साहब आते हैं, और फिल्म एक्टर आते हैं, स्टेज शो वाले आते हैं। फिर आलू की चटनी वाला समोसा और आलू की टिक्की का जायका भी कोई भूलने वाली चीज है। दूर दूर से लोग इधर खाने आते हैं, फनकार, अदाकार और सियासतदान, वकला हजरात और ताजिर हजरात। मुद्दत तक गुलदस्ते बेचने वाले रीगल चौक की पहचान बने रहे। इसी जमाने में इलाके की रौनकों को यहाँ का रीगल सिनेमा दो चंद किया करता था। रीगल सिनेमा लाहौर के उन तीन पुराने फिल्म थिएटरों में से एक था, जहाँ 1930 की दहाई से मेयारी अंग्रेजी फिल्में दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 2008 तक जारी रहा। मेरा नाम उमर है। जब ये रीगल सिनेमा चलता था, इधर से लोग अंदर आते थे, इधर से टिकट मिलती थी, तो टिकट मिलने के बाद इधर अंदर एंट्री होती थी। ये मेन डोर है, इधर से अंदर जाकर अंदर सिनेमा था, तो वो फिल्में देखते थे लोग। तो अब ये सिनेमा बंद हो गया। रीगल सिनेमा एक बड़ी इमारत थी, जिसमें सिनेमा के अलावा दफातर और शॉप्स भी हुआ करती थी, जिनमें से एक शम्स टेलर आज भी मौजूद है। जी, मेरा नाम रिजवान तारिक है। मैं इस शम्स टेलर पे काम करता हूँ, और तकरीबन मुझे 25 से 26 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, और ये तकरीबन 1945 से शॉप है ये। तो पहले मेरे दादा उस्ताद थे यहाँ पे, फिर मेरे उस्ताद रियासुद्दीन साहब। तो माशाल्लाह यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, इस बिल्डिंग में हम सिनेमा, ये रीगल सिनेमा यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़े बड़े पुराने जो हैं कस्टमर हमारे पास जो हैं, पहले जस्टिस आते थे काफ़ी, तो उनके भी कपड़े बनाए हैं। एडवोकेट आते हैं बड़े मशहूर, उनके भी कपड़े हमने बनाए हैं, और क्रिकेटर्स भी आते रहे हैं। और इसके अलावा जी काफ़ी लोग जो हैं हमसे बनवाते हैं कपड़े, हमने कपड़ा भी रखा हुआ है। तो ये सिनेमा था, सिनेमा जो है 2008 के बाद बंद हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शॉप है ये अभी तक है, हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। रीगल सिनेमा को हॉलीवुड सुपरस्टार एवा गार्डनर समेत मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात की मेजबानी का शर्फ भी हासिल हुआ। अगरचे सिनेमा की मौजूदा हालत को देखकर ये सब बातें गैर यकीनी लगती हैं, मगर हकीकत यह है कि रीगल सिनेमा ने अपने अरूज का एक तवील जमाना देखा है। रीगल चौक अपने हाफजे में माजी की धुंधली यादें समेटे सुनहरी मुस्तकबिल का तमन्नाई है। हो सकता है कि कोई खुशनसीब हाथ इसकी उजड़ी हुई मांग दोबारा संवार दे। अब रीगल की पहचान यहाँ की कूजी हलीम है। जब कभी आप रीगल से गुजरे तो कूजी हलीम मस्ट ट्राई करें।